जय श्री राम साथियों, मैं सोनू कुशवाहा आपका अपना भाई। जैसा कि आपको पता है, मैं अटेर चंबल पुल का वीडियो बनाता रहता था और बहुत सारी मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया है। लेकिन आज फिर से मैं सोच रहा हूँ अटेर चंबल पुल का वीडियो बनाऊँ और अपनी दुकान से मैं ब्लॉग शूट करने के लिए जाऊँगा। लेकिन आप लोग बताएं, वो वीडियो देखोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे की सूचना मैं और आगे दे रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों एक और जानकारी, जैसा कि मैंने अभी सुना है, कुछ लोग बोलते हैं अटेर चंबल का पुल क्रैक हो गया, इस वजह से चालू नहीं हुआ है। दोस्तों मैं जाकर वहां पर देखूंगा सच में क्रैक हुआ है या लोग अफवाह उड़ाते हैं दोस्तों, और आप लोगों को बताऊंगा अटेर चंबल का पुल कब चालू हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से आज पूछ रहा हूं कौन कौन भाई वीडियो देखेगा, तो अगर वीडियो देखेगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। काफ़ी समय से डीमोटिवेट हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो और साथियों मेरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा। काफ़ी समय से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया यूट्यूब पर, मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है सोनू कुशवाहा 1325 के नाम से, और फेसबुक पर मेरी आईडी है सोनू ब्लॉग्स के नाम से। तो सभी साथी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी मेरी आईडी है सोनू आकाश ब्लॉग के नाम से। सभी भाई इस आईडी को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथियों आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ, अटेर चंबल का पुल कब चालू हो रहा है, कब बनेगा, मतलब सारी डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। रोड से लेकर यहाँ जैतपुर से शूट करूँगा, पेने अटेर किले तक वीडियो बना के लाऊँगा, और आप लोग देखना उस वीडियो को और पूरी वीडियो एंड तक देखना और शेयर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को नया वीडियो दे सकूं। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय श्री राम, जय दादा सम्राट। साथियों एक और बात है साथियों, जैसा कि आप लोग मेरे चैनल को पहले इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आजकल बहुत कम सपोर्ट कर रहा है। मैंने वीडियो बनाना इसीलिए कम कर दिया, क्योंकि साथियों मैं दिन रात काम करता हूँ अपनी दुकान पर, अपना काम छोड़कर वहाँ पर वीडियो बनाने जाता था आप सभी के लिए, लेकिन आप सभी ने इतना भी प्यार सपोर्ट नहीं दिया। मेरा गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा भी निकल गया, मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया, आप लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया, इसलिए मजबूरी मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना बंद करना पड़ा। क्योंकि मैं जो फेमस तो होना नहीं है, मैंने बस शौक के लिए वीडियो बनाता था। और दोस्तों वैसे भी मैं अपनी दुकान पर काम करता हूँ, तो दोस्तों ये अपना दुकान है, देख सकते हैं यही अपनी कंपनी है और यही अपना बिजनेस है। यहाँ से मैं जितना कमाता हूँ बहुत खुश हूँ भाई, नो टेंशन। लोग बहुत कमाते होंगे तब खुश होते होंगे, मेरा इतना बढ़िया है, मैं डेली का जितना कमा लेता हूँ उतने में खुश रहता हूँ भाई। इतना मतलब इतना भगवान ने संपन्न बनाया है मेरे को कि मैं दूसरों की मदद कर लेता हूँ इसी काम से। अगर किसी को भी ज़रूरत हो, जैसा कि बहुत सारे भाइयों को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी पर जाके देखिए, मैं हमेशा अपने भाइयों की मदद करता रहता हूँ, जितना मेरे से होता है उस तरह की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मैंने इसे ये मजबूरी में वीडियो बनाना छोड़ दिया था। और दोस्तों देखिए, मेरा दुकान है जैतपुर का पेट्रोल पम्प, आपने देखा ही होगा, HP पेट्रोल पम्प, इधर साइड में बगल में पेट्रोल पम्प है, और यहाँ से ये मेन रोड पर दुकान है मेरा, देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा टायर का दुकान है और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, अपनी दुकान खुद की है। मुझे एक मतलब किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है, वैसे छोटा बिजनेस हो लेकिन खुद का हो, मुझे गुलामी करना बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं खुद की दुकान पर काम करता हूँ, डेली जितना कमाता हूँ 800, 1000, 500 जितना भी अपना बन जाए अपने हिसाब से दोस्तों, मतलब किसी की गुलामी तो नहीं करनी है। यह एक मतलब मालिक वाली फीलिंग अलग होती है दोस्तों। किसी के अंडर में काम करोगे तो वो तुमको 10-12 हज़ार रुपये देगा या 15 देगा 20 देगा भाई, लेकिन वहाँ फिर अपना मतलब मन जैसा माहौल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। देखो मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा हूँ, ग्राहक आएगा तो काम कर दूँगा, नहीं तो बैठा हूँ, और मुझे कौन कहने वाला है, कोई नहीं ना, इसीलिए